एक नई सुबह की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया सवेरा और आज का दिन 28 जून 2023 का कुछ रात में बारिश हुई है, जिससे कि इस साइड में आपको लहसुन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इधर थोड़ा गीला है, नमी है, तो इधर हमें लहसुन देखने को नहीं मिल रही है। आपको की स्थिति के साथ में आपको पूरे अपडेट सीधे मंडी से हम प्रदान करेंगे कि किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। क्वालिटी की ओर भी आपको ले चलेंगे और आवकों की स्थिति की ओर देखते हैं। सबसे पहले सवेरे की ओर इस प्रकार की शुभकामना की ओर मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिलती रहे वीडियो के माध्यम से, ताकि आवकों की पुस्ता रिपोर्ट को आपको पूरी तरह से समझने को मिले, पूरी तरह से उसकी जानकारी देखने को मिले कि किस प्रकार की आवक है और किस प्रकार की स्थिति है। दोस्तों, कल 29 जून को मंडी का अवकाश रहेगा, 29 जून को मंडी छुट्टी रहेगी दोस्तों, और इसके बाद मैं जानकारी प्रदान करूँ तो शनिवार के दिन मंडी चलेगी और उसके बाद में मंडी का फिर रविवार को अवकाश रहेगा। यह हो गया अवकाश की अपडेट, जो कि कुछ ताज़ा अपडेट थी जो मैंने आपको प्रदान की है। आज लास्ट मंडी चल रही है और कुछ आवकों की स्थिति भी मैंने आपको प्रदान की है। ऊपर की ओर थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये इस प्रकार की ऊपर की ओर स्थिति है। तो कल की अपेक्षा तो कुछ अभी की स्थिति में ठीक आवक देखने को मिली है कल की स्थिति के अनुसार, और इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मंडी आज लास्ट चल रही है, कल ईद है तो मंडी का अवकाश रहेगा। और इस प्रकार की एक और प्लेटफॉर्म के अंदर की आवकों की स्थिति में आपको बता देता हूँ उधर किस प्रकार की आवक देखने को मिल रही है। ये आवके हैं मंडी में, सीमित ही आवक देखने को मिल रही है, पिछले 2 से 3 रोज की स्थिति में आपको बता ही रहा हूँ रोजाना, तो ये इस प्रकार की आवक मंडी के अंदर देखने को मिली है। और नीलामी कार्य में भी कुछ संक्षेप से आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ चेंजेस की कल सूचना मिली थी जो अभी कंफर्म हुआ नहीं है, ताकि मैं आपको उसकी पूरी जानकारी अपडेट कर सकूं। कुछ संक्षेप है जो कुछ चेंजिंग हो सकता है नीलामी कार्य के लिए आज से, तो कुछ भी होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कराएंगे कि किसी भी प्रकार की कोई अगर चेंजिंग की होता है मंडी से नीलामी कार्य से, तो उसकी अपडेट आप सभी किसान भाइयों को मैं जरूर प्रदान करूंगा। लेकिन कुछ सूचनाएं आ रही थी कि नीलामी में कुछ चेंजिंग आज देखने को मिल सकता है, तो क्योंकि उसकी कोई कंफर्म अपडेट नहीं पहुंची थी, तो जिसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी पहुंचाना संभव था, क्योंकि कंफर्म सूचना ही नहीं थी मेरे पास में, तो उसकी जानकारी मैं आपको दी नहीं। लेकिन आज कंफर्म पूरी तरह से हो जाएगा, तो उसकी भी अपडेट मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से जो मंडी भाव होगा उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। इस प्रकार की सीमित दायरे के अंदर आवक है। अगर आपको टोटल ओवरऑल और कट्टों में अगर आवकों की स्थिति अगर आपको प्रदान करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभी हाल फिलहाल की स्थिति में और मंडी के अंदर माल जो आ रहा है उसके बाद में देखते हुए जो मंडी के अंदर आवकों की स्थिति है, 3,500-4,000 कट्टों की आवक हो सकती है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ियाँ भी हैं उतनी खाली होती हुई हमें आसपास में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कल मंडी की छुट्टी भी है और ये इस प्रकार की आवक आज की। बल्कि आप मंडी के लिए निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कल मंडी का अवकाश रहेगा और ये आवकों की स्थिति आज की आपको देखने को मिली है। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द दलदा मंडी से सारी जानकारी देख पाएं।